guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, without wasting your time, let me get into the video and let me tell you all कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ. मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगी guys and just listen to me कि मैं क्या बता रही हूँ. तो सबसे पहले guys, आप लोगों में अगर आपको नहीं पता है कि I have made a monthly planner, so just go and watch the previous videos of my pre-board preparation and you will get to know what I mean by monthly planner. Let me show you all a glimpse of it actually. तो ये monthly planner है, it is October and the November. तो इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, इसमें मैंने लिखा है अपना सिलेबस, लाइक मैं कब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मुझे कब से रिवीजन स्टार्ट करनी है. तो एज यू ऑल नो कि मेरा 3 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होने वाला था एंड 4 एंड 5th वर माय बफर डेज, कि किसी दिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ सो आई कैन यूज़ दैट बफर डेज. सो एक्चुअली आई हैव यूज दैम गाइज, मैं बताती हूँ क्यों. 25th of October, तो इसकी मैंने एक ब्लॉग भी डाला था कि ट्रैवलिंग अलोन इन दिल्ली. सो ये वाला दिन मैंने पूरा बहुत ही, मतलब कि इसमें मैंने इतना सा नहीं पढ़ा, सीरियसली आप ब्लॉग जाके देख लो गाइज, मैंने इतना सा भी नहीं पढ़ा था उसमें. तो उसका पूरा जो उस दिन का मेरा टारगेट था वो मैंने बफर डे में डाल दिया. तो बफर डेज मेरे यूज़ हो चुके हैं. बट 26th and 27th of October, इस दिन ना स्कूल से इतना ज़्यादा काम मिला था, लाइक सीरियसली होमवर्क इतना ज़्यादा, मतलब क्या है बताऊँ मैं. नोटबुक चेकिंग थी एक्चुअली, वो हमारे सारे टीचर्स बोल रहे थे कि यू हैव टू कम्प्लीट दिस चैप्टर, यू हैव टू कम्प्लीट दिस चैप्टर एंड यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक्स बाय टुमारो, बाय द डे आफ्टर टुमारो, बाय मंडे, ऐसे ऐसे कर रहे थे. एंड इतना ज़्यादा होमवर्क था, इतना ज़्यादा नोटबुक कम्प्लीट करना था ना, कि इन दोनों दिन का जो काम था ना वो मैंने बहुत कम किया. एक्चुअली जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, बहुत ही कम पड़ा. तो इन दोनों का काम भी मेरा बचा है. सो गाइज, व्हाट आई एम गोना डू इज 28th and 29th, यानी आज और कल छुट्टी है. तो मैंने क्या डिसाइड किया है ना, कि मैं जो बाकी जो पीछे वाले दिन है ना, अगर उसका भी कोई भी काम मेरा बचा है तो मुझे 28th and 29th में कंप्लीट करके छोड़ना है. 28th and 29th का काम तो मैं करूँगी, बट अलॉन्ग विद इट जो मेरा प्रीवियस बैकलॉग बचा हुआ है वो भी मुझे इन दोनों दिन में ही कंप्लीट करना है. सो आई विल डू दैट. तो देखते हैं आज मैं, हम बहुत सारा पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे. तो गाइज, नाउ लेट मी टेल यू ऑल की होमवर्क क्या क्या है, जो कि ये सारे जो होमवर्क है ना हमें मंडे तक करना है. ये देखो गाइज, आपको मिरर इमेज देख रहे होगे, बता दूंगी क्या क्या लिखा है. 4 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, हिंदी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड बायो के क्लास नोट्स नोटबुक में करने हैं. तो गाइज, मैंने क्या सोचा ना कि आज के दिन के स्टार्टिंग में ना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास आज का पिछला दिन और कल का पूरा दिन हमारे पास सिर्फ प्रिपरेशन के लिए रहे. इसलिए मैं आज सुबह तक ही होमवर्क कंप्लीट करके छोड़ दूंगी, सो दैट वी गेट इनफ टाइम टू कंप्लीट आवर सिलेबस टू. तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द होमवर्क नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So guys, before getting into the video, let me all tell you about these amazing books which I have just received yesterday. So guys, these books are really going to help you all with your revision work, क्योंकि मैंने इसको कल ही analyze किया है and I just found out कि these are really very helpful. तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये दिखानी चाहिए and these will really help you all. So these are the 15 CBSE sample question papers by PW and इसमें इतने ज़्यादा, like 15 sample papers for each subject, like it is more than enough for you guys to practice and 15 sample papers अगर आप practice कर लोगे they are more than enough. And so let me tell you all which all subjects do I have right now. I have science and I have social science, English and mathematics standard. तो अभी आपको इसकी mirror image दिख रही होगी, मतलब उल्टा दिख रहा होगा, but मैं आपको इसके अंदर की चीज़ें दिखाऊंगी, then I will be showing you it clearly. तो अभी गाइज, आप बोलोगे कि आपने रीजन लिया तो व्हाई डिड यू लाइक टेक द स्टैंडर्ड वन. गाइज, बेसिकली हमारे स्कूल में जो प्री बोर्ड्स होंगे या फिर कोई भी एग्जाम्स होंगे ना, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एग्जाम्स. इट डजेंट मैटर कि आपने बोर्ड्स के लिए बेसिक चूज किया है या फिर स्टैंडर्ड चूज किया है, प्री बोर्ड्स आर गोना बी स्टैंडर्ड. तो आपको हर एक बच्चे को ना स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. तो इसलिए आई हैव टू ऑल्सो स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एग्जाम. लाइक मुझे ऐसे सोच के पढ़ना है कि हाँ मेरा बोर्ड स्टैंडर्ड ही है, वो बेसिक है, लेकिन मुझे पढ़ना है स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे प्री बोर्ड में भी तो स्कोर करना है ना, इसलिए हमें स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा. सो दिस बुक इज गोना हेल्प बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड वन. सो गाइस, लेट मी शो यू ऑल व्हाट इज ऑल इनसाइड इट एंड हाउ इट इज गोना हेल्प यू ऑल. So guys, here are all the books as you all can see. So guys, what all this book contains. सबसे पहले इसमें आपके को मिल जाएंगी चीट शीट्स टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर एंड साथ साथ आपको इसमें सीबीएसई 2023 का सॉल्व पेपर मिलेगा, प्लस आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, प्लस एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे एंड उनके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको इस बुक में मिलेगी. सो लेट मी शो यू ऑल की व्हाट ऑल इज इनसाइड दिस बुक. तो सबसे पहले आपको हर एक बुक में आपको चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगा कि हर एक
चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट 5 क्वेश्चन लाइक सीबीएसई पेपर्स, साथ साथ ये आपको हर एक क्वेश्चन से सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें कितने हर एक चैप्टर से कितना था, लाइक रियल नंबर से 1 MCQ था, 1 वेरी शॉर्ट आंसर था एंड 1 शॉर्ट आंसर था. सो इस टाइप का आपको मिल जाएगा. साथ साथ आप कंटेंट्स में आप देख सकते हो कि दीज आर द चीट शीट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, प्लस आपको 3 चैप्टर लाइक 3 मिलेंगे आपको सीबीएसई सॉल्व पेपर्स, एंड एक्स्ट्रा एडिशनल सैंपल पेपर्स में आपको मिलेंगे 4 इजी लेवल्स एंड 5 मीडियम लेवल्स के सैंपल पेपर एंड 4 हार्ड लेवल के, एंड साथ साथ इनके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं. सो गाइस दीज आर द चीट शीट रिवाइज योर कंसेप्ट, दीज आर बेसिकली इन द फॉर्मेट ऑफ माइंड मैप्स, तो इसमें आपको हर एक फॉर्मूला वगैरह भी मिल जाएगा. सो दीज आर गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड लेट मी शो यू ऑल व्हाट टाइप ऑफ चीट शीट इज देयर इन साइंस. सो दीज आर द चीट शीट गाइज, लाइक निमोनिक्स भी आपको इसमें दिए हुए हैं, माइंड मैप्स भी दिए हुए हैं, एंड गाइज दिस इज रियली वेरी गुड. ये देखो, सो गाइज दिस इज वेरी वेरी गुड, निमोनिक्स भी आपको दिए हुए हैं, देख लो इसको, ठीक है. एंड लेट मी शो यू ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स आर देयर इन दैट. एंड गाइज सच में यार दीज आर मोर देन इनफ, लाइक दीज आर 15, एंड अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 15 सैम्पल पेपर सॉल्व करो सो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर रिविजन. तो आप दीज बुक्स आर रियली वेरी गुड गाइज, यू शुड बाय दैम, बिकॉज गाइज मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई फाइंड दैम हेल्पफुल, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यू शुड बाय दैम. जस्ट चेक इट वंस एंड टेल मी योर रिव्यू कि इफ़ यू लाइक इट और नॉट, बट आई डू रियली लाइक इट, मुझे सच में अच्छी लगी, जितने भी अभी तक मैंने देखी हैं उनमें से सबसे अच्छी हैं गाइज. यू रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस बुक्स इफ यू वॉन्ट, सो येस. सो गाइज आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू ऑल वन थिंग, कि इसमें जो फर्स्ट सैम्पल पेपर है ना सीबीएसई सॉल्ट, एंड फर्स्ट सैम्पल पेपर इज हैंड रिटन, एज यू ऑल कैन सी दीज आंसर्स आर हैंड रिटन गाइज, एंड लाइक दीज आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल कि हाउ डू यू हैव टू एग्जैक्टली राइट योर आंसर्स एंड हाउ डू यू हैव टू ड्रॉ योर डायग्राम्स. बेसिकली दिस बुक ऑल्सो टेल्स यू ऑल दैट यू शुड ड्रॉ नीट एंड डायग्राम्स, नीट डायग्राम्स इन योर क्वेश्चन पेपर टू गेट फुल मार्क्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो आपको अच्छे से नीट एंड डायग्राम्स बनानी है. सो दीज आर द रियली गुड की हैंड रिटन आंसर्स आर गिवन. सो दिस इज हैंड रिटन आंसर्स आर ओनली फॉर द फर्स्ट वेरी सैम्पल पेपर, बट आफ्टर दैट ऑल द सैम्पल पेपर्स आर जस्ट लाइक दिस टाइप. तो येस, सो गाइज हियर आई एम स्टार्टिंग विद इंग्लिश फर्स्ट. तो इंग्लिश का होमवर्क मैं सबसे पहले करना स्टार्ट करा है. सो गाइज आई हैव पुट अ टाइमर इन दिस वीडियो एंड आई हैव लाइक इंक्रीज द टाइम लैप्स ऑफ दिस वीडियो, सो ऑल यू कैन सी दैट आई एम स्टार्टिंग फॉर स्ट्रेट 1 आवर. तो यहाँ पे मैं 1 घंटे के लिए स्ट्रेट बनने वाली थी, सो आई थॉट कि आई शुड शो यू ऑल द स्ट्रेट 1 आवर, मैं पूरा 1 घंटा आपको दिखाऊँ. सो इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर दिया एंड साथ साथ मैंने टाइमर भी लगा दिया सो दैट यू ऑल कैन सी. तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अब हिंदी स्टार्ट कर दिया गाइज, 20 मिनट्स में मेरा इंग्लिश कंप्लीट हो गया था एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड हिंदी. तो हिंदी मेरा लाइक बचे हुए टाइम में पूरा कंप्लीट हुआ था, लाइक 1 आवर तक जितना भी टाइम बचा 40 मिनट्स, तो उसमें मेरा पूरा जो है हिंदी कंप्लीट हुआ था. सो येस गाइस हियर आई एम डूइंग दैट हिंदी एंड इंग्लिश. सो गाइज द क्वेश्चन आंसर आई एम डूइंग फ्रॉम गूगल, तो गूगल की मैंने PDF बना ली थी क्योंकि ताकि मेरे को गूगल पे बार बार सर्च करना ना पड़े. सो आई मेड अ कंबाइंड PDF ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड उसको मैंने ओपन करा एंड आई एम डूइंग फ्रॉम दैट. सो गाइज इट्स 1 आवर राइट नाउ एंड मैंने अभी कम्प्लीट कर लिया अपना इंग्लिश एंड हिंदी, तो उसकी नोटबुक मेरी कम्प्लीट हो चुकी है. लाइक उसमें एक एक चैप्टर करना था दोनों में, तो मैंने वो कम्प्लीट कर लिया है. केमिस्ट्री और बायो बचा है वो मैं रात को करूँगी एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद माय प्री बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि हमें कल के जो बैकलॉग्स हैं वो भी आज और कल में कम्प्लीट करने हैं. सो गाइज नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्री बोर्ड प्रिपरेशन. सो आई विल बी डूइंग बायो राइट नाउ. बायो में मैं जो हाउ टू ऑर्गेनाइज माय रिव्यूज वाला चैप्टर है उसकी मैंने वीडियो कम्प्लीट कर ली थी, एज यू ऑल नो कि आई कम्प्लीट द चैप्टर. सो आई विल बी डूइंग द नोट्स राइट नाउ. तो अभी थोड़ी देर के लिए उसको नोट्स बनाते हैं एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल कि मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नोट्स बना लिए हैं, तो उसकी थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं और कितने बनाए हैं. लाइक वैसे तो पूरे बना लिए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ आगे. सो नाउ लेट्स गो गाइज एंड मेक द नोट्स ऑफ हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोड्यूस चैप्टर. सो गाइज एज आई ऑलरेडी टोल यू ऑल कि आई हैव कम्प्लीट दिस चैप्टर, लाइक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के नोट्स हैं, दिस इज द लास्ट पेज, सो यू ऑल कैन सी दैट आई हैव कम्प्लीटेड दैट. तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं. आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल लाइक अ ब्रीफ आइडिया आई एम गिविंग यू ऑल. तो देख सकते हो आप इतने ज़्यादा नोट्स, इतने ज़्यादा पेजेस के हैं. ओके गाइज नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोड्यूस. सो गाइज आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू ऑल द बुक 1 पार्ट, क्योंकि ना इसमें मैंने इतने सारे जो है स्टिक नोट्स चिपकाए हुए हैं. सो वट आई एम थिंकिंग इज कि आई विल बी मेकिंग द नोट्स ऑफ इट इन माई नोट सजेस्टर, आई विल बी लाइक
टेकिंग आउट दीज स्टिकी नोट्स एंड आई विल बी पेस्टिंग दैट इन माई नोट्स, क्योंकि मैं और स्टिकी नोट्स पे दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगी. आई विल जस्ट टेक देम फ्रॉम हेयर इन माई फ्रॉम माई बुक एंड देन आई विल बी पेस्टिंग इट इन माई लाइक नोट्स जस्ट. तो यहाँ पे इतने सारे स्टिकी नोट्स लगा रखे मैंने, लाइक मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी ना, जितना भी मेरे को लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली जो मेरी बुक में नहीं है, सो आई थॉट कि आई शुड पेस्ट इट हेयर ओनली एंड उसके बाद जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो इन्हीं को दोबारा से पेस्ट कर लूंगी. सो लाइक दिस आई हैव मेक माई ऑनलाइन नोट्स, क्योंकि आप लोगों में से कुछ देखना चाहते थे कि हाउ डू आई मेक नोट्स ऑन बुक, सो दिस इज हाउ आई मेक. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इन माई नोट्स जस्ट. सो गाइज हियर आई एम स्टार्टिंग विद साइंस हाउ टू अगेन एम रिप्रोड्यूस चैप्टर के नोट्स. तो जैसे मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया कि मैं क्या कैसे करने वाली हूँ, सो आई डोंट नीड टू टेल इट अगेन. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट वन थिंग, लाइक यू हैव वन ऑफ यू हैव आस्क मी कि मैं इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस स्कूल में कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं, या फिर कैसे करती हूँ. सो गाइज स्कूल में हमारे डेली लेक्चर्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हमारी रोज़ होती है. तो लाइक जो भी चैप्टर सर या फिर मैम हमारे स्कूल में पढ़ा रही है ना, मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मैं ध्यान से सुनूँ ताकि मेरा जो थ्योरी पार्ट है वहीं कंप्लीट हो जाए. एंड मैं घर पे आके ना जब मैं होमवर्क करती हूँ ना तो उससे मुझे क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज हो जाते हैं. तो दिस इज़ अ वे आई एम करेंटली डूइंग द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स. रिविजन के टाइम ना इन दोनों को सब्जेक्ट्स को भी सेम टाइम दूंगी एज माई अदर सब्जेक्ट्स, लाइक आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स. हिंदी को अगर मैं इतना टाइम ना दूँ बट इंग्लिश को मैं दूंगी, बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग लाइक आई नीड टू स्कोर इन, बिकॉज हिंदी में मेरे तो मार्क्स आ गए थे बट इंग्लिश इज़ द सब्जेक्ट आई नीड टू वर्क मोर ऑन. तो इन दोनों को मैं ज़्यादा टाइम दूंगी इन माई रिविजन ऑल्सो, लाइक जैसे मेरे पास इंग्लिश की जो सैम्पल पेपर्स भी हैं तो आई विल बी सॉल्विंग दैट इन माई रिविजन टाइम. तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैं इंग्लिश को भी करूँगी. सो आई हैव टोल्ड यू ऑल कि मैं इंग्लिश और हिंदी को कैसे कवर अप कर रही हूँ लाइक इन माई स्कूल एंड एट माई होम. तो ये सब मैंने आपको बता दिया है एंड आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सो गाइज नाउ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स जस्ट इन्जॉय दिस टाइम लैप्स. सो गाइज फॉर सम इंस्टेंट एनर्जी आई एम गोना ड्रिंक ग्लूकॉन डी, बिकॉज मेरे को प्यास भी लग रही थी एंड आई वॉज फीलिंग अ लिटल बिट ऑफ स्लीपी. सो नाउ लेट्स ड्रिंक दिस एंड देन वी विल गेट बैक टू वर्क. So as you all know that I was doing the notes of the chapter reproduction. तो अभी मेरे पूरे नहीं हुए हैं वैसे, इतने जल्दी होंगे भी, इतना बड़ा चैप्टर है, टाइम तो लगेगा ना उसको कंप्लीट करने में. सो आई विल बी कम्प्लीटिंग दैम राइट नाउ. तो इसके बाद जैसे आप देख सकते हो मेरे नोट्स हैं एंड मेरा ग्लूकॉन डी भी है रखा है, मेरा तो पिया नहीं है. तो नाउ आई विल बी डूइंग द नोट्स, लाइक आई विल बी कंटिन्यूइंग डूइंग दैट ओनली एंड उसके बाद आई गेस आई विल बी डूइंग हिस्ट्री. यस हिस्ट्री करूँगी. इसके बाद मैं प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर एंड प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर के बाद मैं हेरिडिटी करूँगी. सो दिस इज़ वॉट आई एम गोना डूइंग द रेस्ट ऑफ द डे एंड आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर गाइस एंड आई होप यू ऑल लव्ड इट अ लॉट. सो इफ यू डू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वी हैव टू मेक 1K सब्सक्राइबर गाइस. सो लेट्स गो एंड आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.